आज हम लोग गुटखा खाने वाले उन महान लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, द ग्रेट पर्सनालिटी। हो भी क्यों ना, अब ये देखिए गुटखा जो है अंदर ऐसे मुंह में भरे रहते हैं। ऐसे मुंह में भरे रहते हैं जैसे कोई परमाणु बम रखे और इशारों इशारों में बात करते हैं। मुझे तो इनकी ये जो भाषा है नई रहस्यमय भाषा लगती है। सीबीआई को, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, इसरो को इस भाषा के ऊपर रिसर्च करना चाहिए, वार में काम आ सकती है। और इनकी कला देखिए आप, जब ये लोग किसी ऑटो में बैठ के जाते हैं या कार में बैठे हुए बड़ा आदमी कोई, अचानक ये लोग स्प्लिट करते हैं 110 की स्पीड से, और पीछे जो आ रहा है आदमी उसके चेहरे में और छाती में इस तरह से प्रिंट हो जाता है जैसे कोई हैंड प्रिंट। उसकी आप कला देखिए। एक दिन मैं भी चश्मा अश्मा लगाए मोटरसाइकिल से जा रहा था और आगे कोई महान आत्मा ऐसी बैठी हुई थी, मुझे मालूम नहीं था, तो उसने स्प्लिट किया, मेरे चश्मे से लेकर के पूरी शर्ट में छप गया। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने जोर से चिल्ला दिया, लेकिन अगले ही पल मुझे गलती का एहसास हो गया। और गुटखा खाने वाले लोग अक्सर रंगदार भी होते हैं, और निकल करके वो बोलने लगा, बदतमीज हो क्या? मैंने कहा सर गलती हो गई। बोले समझते हो कि मैं कौन सा गुटखा खाया हुआ हूँ, निपोर चंद का गुटखा है ये, 10 रुपए। हाई भाई, अब तुम्हारे चेहरे पे लग गया है तो समझ लो तुमको खुशबू आ रही होगी, 5 रुपए तुमको वापस देना चाहिए। अब बोला कि देखो बहुत बचने का शौक है तो चश्मे के साथ साथ पन्नी भी लगा लिया। मैंने कहा भैया गलती हो गई, आइंदा मैं किनारे किनारे भगवान राम का नाम लेके चलूंगा, तब जाके मेरी जान बची। और बेचारे ये लोग कभी कभी जो है कैंसर जैसी बीमारी से शिकार हो जाते हैं, तो सरकार को चाहिए कि इनको प्रोटेक्शन दे, इनके लिए कोई ऐसा स्तंभ बनाना चाहिए, स्मारक, जब ये लोग मर जाते हैं कि भाई ये महान आत्मा थी गुटखा खा के मरी, उनके लिए स्मारक बनना चाहिए। और हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि गुटखा खाने वालों को हम लोग डिस्टर्ब ना करें, साइड से किनारे किनारे चलना चाहिए ताकि कोई स्प्लिट करे तो आपको कुछ प्रिंट मिले।